एंड मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर ई बी नैस के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, फास्फोरस 30 या 200 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बर्निंग फास्फोरस में भी आर्सेनिक और सल्फर की जलन एक विशेष लक्षण मानी जाती है। शरीर का कोई भी अंग या तंतु ऐसा नहीं होता है जिसमें जलने की शिकायत न रहती। जलन की शिकायत न रहती है बाहरी चमड़ी से लेकर भीतरी पटल तक के प्रत्येक पथ या सांतर विधान में यह जलन महसूस होती तथा मारक रोगी में भी होने वाले आंगिक परिवर्तन में भी यह जलन अनुभव हो सकती। गहरी जलन वाले रोगों के लिए जो औषधियां निर्धारित की गई हैं उनमें फास्फोरस को उल्लेखनीय स्थान प्राप्त स्नायुमंडल पर इस प्रकार का प्रभाव डालने वाली और ऐसी कोई दवा नहीं है। यह अपनी पूरी शक्ति के साथ मस्तिष्क और मेरु और मज्जा पर हमला करती है तथा उसमें कोमलता पैदा कर देती है। इसके और लक्षण हैं अवसन्नता, कंप कपी, संपूर्ण पक्षाघात और संज्ञाहीनता। नई और पुरानी दोनों ही तरह की बीमारियों में फास्फोरस की यह क्रिया दिखाई पड़ती। इम्पोर्टेंट नए टाइफाइड ज्वर में तथा ऐसे रोगों में जो धीरे धीरे बढ़ते हैं एवं गति उग्र आरोही पक्षाघात में ये प्रकट होते हैं। मोह ज्वर, निमोनिया, स्फोटक रोग, काली खांसी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि रोगों में जब जीवन शक्ति का बहुत ह्रास हो जाता है अथवा शोक, उत्कंठा, बहुत अधिक मानसिक परिश्रम, बहुत अधिक इंद्रिय सेवन या कृत्रिम मैथुन इत्यादि कारणों से रोग की दशा बहुत शोचनीय हो जाती तो फास्फोरस रामबाण की तरह कारगर होती। प्रथम अवस्था में रोगी को शरीर के कितने ही स्थानों पर विशेष त्वचा में एक प्रकार की जलन सी महसूस होती। यह बेचैन व चिंतित रहता है, विशेषकर रात्रि में रोगी को भी को सभी इंद्रियों में बहुत अधिक अनुभूति रहती। रोशनी, गंध, शब्द और स्पर्श की अनुभूति भी बहुत तेज हो जाती, लेकिन आंगिक परिवर्तन प्रारंभ होने के बाद गति की अनुभूति और इंद्रिय ज्ञान लुप्त होने लगता। पहली अवस्था का एक विशेष लक्षण यह होता है कि रोगी इधर उधर टहला करता है, वह क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता और न खड़ा हो सकता है। जिंकम में तो केवल रोगी के पैरों की अस्थिरता रहती है, परंतु कफ में ड्रोसेरा 200, स्टैनम 200 और फॉस्फोरस 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। खांसी में, सीने में दर्द में, काली खांसी में पैरों, जिंकम में तो केवल रोगी के पैरों में अस्थिरता रहती है, परंतु फास्फोरस में यह अस्थिरता शरीर के अंग अंग में सपा जाती। शरीर के प्रत्येक तंतु पर फास्फोरस का प्रभाव होता है।
रक्त एकदम सख्त रहित और विश्लिष्ट हो जाता है तथा रोगी में हरित पांडु रोग या मारात्मक रक्तहीनता रोग पैदा हो जाता है। रक्तहीनता और मोम की तरह की आकृति एपिस 30 या 200 और कालिकार्प 200 में भी दिखाई देता है में ही दिखाई देता है। तीनों में ही सूजन भी रहती, परंतु रोगी का चेहरा देखकर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। कालिकार्प 200 में आँख की ऊपरी पलक सूज जाती, इस प्रकार फूल जाती है जैसे उसमें पानी भरा हो। एपिस में निचली पलक ही फूलती है, लेकिन फास्फोरस में आँखों के चारों ओर सूजन आ जाती और रोगी का समूचा चेहरा फूल उठता है। फास्फोरस में रक्त इतना विशिष्ट हो जाता है कि वह थक्के की शक्ल नहीं ग्रहण कर पा सकता। इसमें प्यूरा हिमोरेजिका नामक रोग पैदा हो जाता है। हनीमन ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वस्थ से दिखने वाले तंतुओं में भी फास्फोरस का विशेष लक्षण पैदा हो जाता है। और छोटे से घाव से भी बहुत अधिक रक्त बहने लगता है, हीमोफीलिया हो जाता है। यही एक रक्त स्रावी धातु कहलाती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। इस प्रकार का परिवर्तन लक्षण बहुत ही भयंकर माना जाता है, क्योंकि मामूली ही खरोज भी अनवरत रक्तस्राव और अंततः मृत्यु का कारण बन सकती। रक्तस्राव की यह प्रवृत्ति फाइब्रॉइड्स फंगाइड्स कैंसर में भी देखने को मिलती, जो अत्यंत खतरनाक व समस्याजनक होती है। ये सब बहुत ही स्पष्ट लक्षण माने जाते।